الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है प्रोग्राम का नाम क्या है जी हाँ हमारे इस्लाम प्रोग्राम का नाम है होता बहुत कुछ है जो कि आप उसमें जानते हैं ना उसमें बहुत कुछ होता है ना प्रोग्राम में क्या क्या होता है एक्टिविटीज़ होती हैं दुरूद पाक भी पढ़ते हैं कलाम भी होता है तिलावत कुरान पाक भी होती है और एक्टिविटीज़ होती है लेकिन कलाम से पहले तो सलाम करना होता है ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ से आवाज़ नहीं है आप लोग ठीक नहीं है क्या ठीक है माशाल्लाह ये तो आपने प्रोग्राम में रहना है हमारे साथ आखिर तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल होगी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदद चलेगा नाज़रीन अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं हमारा इस्लाम प्यारे बच्चों हमने दुरूद पाक तो पढ़ा और हम दुरूद पाक की फजीलत भी इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं ना तो आए प्यारे बच्चों एक बार फिर दुरूद पाक की फजीलत अपनी इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है ए लोगो बेशक क़यामत के दिन उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिससे तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए आमीन प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कलाम कलाम हमारा
इस्लाम हमारा इस्लाम अपने दामान शफ़ात में छुपाए कमाल के शायर लिखते हैं हुजूर मेरी बात बनाए रखना कमाल लिखते हैं। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब से दुनिया में तशरीफ़ लाए अपने उम्मीद अपनी उम्मत को याद रखा रब्बी हबली उम्मती हुँ? और हम अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ें तो अच्छी बात नहीं है ना, तो हमें भी दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ना चाहिए। कि हदीसों में आता है कि जो दुरूद पाक पढ़ता है ना तो फरिश्ते उसका और उसके वालिद साहब का नाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो कितना हसीन मंजर होगा वो जब हमारा नाम और हमारे वालिद साहब का नाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाएगा। और कौन कौन चाहता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में हमारा नाम बार बार पेश किया जाए, सभी चाहते हैं। तो हमें क्यों ना बार बार दुरूद पाक पढ़ना चाहिए हुँ? तो नियत करते ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है। कम से कम 313 मरतबा रोज़ाना डेली 313 मरतबा कम से कम दुरूद पाक हम पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और प्यार मुझे एक यूनिक बात बताऊँ आपको, जो दुरूद पाक पढ़ता है ना
उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी होता है और वो जल्दी से मदीने भी चले जाता है। कितनी प्यारी बात है ना, क्या बताएं, हम भी दुरूद पाक पढ़ें और हमें भी दीदार हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हम मदीने चले आएँ। माशाल्लाह, मुहम्मद मुस्तफा सच्चा कुली नबी, अहमद मुजतबा सच्चा कुली नबी, आमिना का लाडला सच्चा कुली नबी, शाह हर दो सरा सच्चा कुली नबी, ताजदार अंबिया सच्चा कुली नबी, है हबीब किबरिया सच्चा कुली नबी, है शफी उल वरा सच्चा कुली नबी, आसियो का आसरा सच्चा कुली नबी, ऐतिकाद फातिमा सबसे आखरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा मुर्गा सबसे आखरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखरी नबी। माशाल्लाह प्यारे बच्चों और क्रिसमस मंदिर के नाजरीन, अपने अगले सेक पीढ़ी तरफ चलते हैं जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ते बढ़ते सेगमेंट आ चुका है हिसाब किताब। इसमें क्या होता है हिसाब किताब होता है? हिसाब किताब में क्या होता है? सवाल तो है ना, लेकिन आप चले आप माइक देने इन्हें बता, चले बताएं जी क्या होता है यहाँ पे? बास्केट के अंदर नंबर होते हैं, फिर वो लगाने होते हैं। कोई भी नंबर? कोई नहीं, जो उसमें होगा। अच्छा, उसमें होगा वो, और फिर सवाल होगा, फिर सवाल इस्लामी नस्बत। इस्लामी चले टीम में से पहले कौन आएगा? चले आ जाए, पहले आप आ जाए। ये दो जीरो आ गए, जीरो प्लस वन कितने होते हैं? जीरो प्लस वन कितने होता है उन्होंने बताना। जीरो प्लस वन वन होते क्या? कौन कौन गिर रहा है? नाइन होते हैं ना, कौन कौन गिर रहा है? चले माइक देना, आप कह रहे हैं जीरो प्लस वन वन होता है जी, पक्की बात है? चले आपका जवाब दुरुस्त है। आपको कैसे पता चला? पता है? चले कह दे मेरा जवाब दुरुस्त है, मेरा जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले आप अपनी टीम से किसी को चूज करें जो इस्लामी नस्बत बताने के लिए आए। आ जाए आ जाए, इस्लामी नस्बत बताएं या कोई भी नस्बत हो जो हमारे माशरे में हो, लेकिन अच्छी नस्बत हो। ये चांद आ गया, कहाँ गया भाई? यहाँ पर चांद आ गया। चल माइक देना, चांद एक होता है, पक्की बात है जी? आपका जवाब दुरुस्त है। चांद से कोई शेर सुना दे। चांद झुक जाता जिधर इधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चल जाता जी। ये जमीन का चांद है, ठीक है, अर्थ मून जी। टीम बी से कौन आएगा? आ जाए। चले पहले आप वो लगा लें, इंशाल्लाह फिर आपको माइक पेश कर दूंगा। थ्री प्लस वन कितने होते हैं? थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन जी क्या होता है? थ्री प्लस वन चार। चार होता है, फोर नहीं होता जी? फोर होता। फोर होता, चार नहीं होता? दोनों एक ही, दोनों एक ही। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। चले कोई बताए जो हमें इस्लामी नस्बत बता दे, वो क्या नाम है उनका? अहमद। अहमद भाई आ जाए। चले अहमद भाई को माइक दे दीजिएगा आप, ठीक है? अहमद भी कोई चार से कोई इस्लामी नस्बत बता दें। चार से तो बहुत सारी इस्लामी नस्बत आती है ना मुर्शिद भाई, क्या कहते हैं आप?
दो चार आपसे ही पूछ लें, बता देंगे माशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे ही पूछेंगे। ये नमाज जहर के फराइज फ़र्ज़ रखाते हैं नमाज जहर की जी, अगर मगरिब होती तो? मगरिब में तीन होती, तीन फ़र्ज होते हैं, तीन फ़र्ज होते हैं। और फजर के? फजर के दो, दो। और ईशा के? ईशा के चार फ़र्ज। फिर जो कोई ईशा में तीन रकात भी तो कोई पढ़ते हैं हम, दो रकात निफल के बाद, वो फिर क्या होती है? वितर की रकात। वो वितर होती है। और आपका जवाब माशाल्लाह। टीम में से कौन आएगा? 12-7 अल्लाह अकबर। चले आ जाए 12-7 कितने होते हैं ये बताना है ना। लेकिन आपकी टीम में से कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा और यहाँ पर बच्चे खामोश रहेंगे, आपस में बातें भी नहीं करेंगे। ऊपर 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 12-7। फाइव सोचें, पक्की बात है? चले फिर इस्लामी नस्बत के लिए किसी को बुलाएं। चले आ जाए जी, पांच से कोई इस्लामी नस्बत बतानी है। फाइव सूरह यासीन में रुकू। और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। सूरह यासीन में पांच रुकू हैं जी। कौन आएगा? शान भाई आ जाए। 6-3-1। टू पक्की बात है? आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जी। अब ये वाले शायर भाई आ जाएं इस्लाम में नस्बत बताने के लिए। सूरह इखलास में लफ्ज अल्लाह का जिक्र जी। शायन भाई ने एक चिट उठाई है और वो प्रेस कर रहे हैं और सूरह इखलास में लफ्ज अल्लाह का जिक्र। आप इधर आ जाएं ताकि जो देख रहे हैं वो भी देख सकें। ठीक है, पक्की बात है? फाइनल जवाब है? आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। तशरीफ रखें, हिसाब किताब सेगमेंट खत्म हुआ और हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म नहीं हुआ। हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। और टीम ए भी बराबर है, टीम बी भी बराबर है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, हम हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई है जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। तो टीम ए की तरफ से पहले कौन आएंगे? आ जाए पहले आप, आ जाए। अच्छा ना, आपको क्या लगता है? आप उससे आप बताएं कौन सा बॉक्स खोलना पसंद करेंगे? सेवन। चले आ जाए, खोल दूँ? क्या बात है, चलो मैंने खोल दिया। बस ये क्या लिखा गया? दूध। दूध पीते हैं आप? नहीं पीते? माइक दे, माइक दे। चले आप इधर है, आप दूध पीते हैं? पीते हैं ना। दूध के मतलब आपसे सवाल कर लूँ? कर लूँ। चले आप चिट निकाल लें, एक चिट निकाल के मुझे दे दें। चलें, आपने चीट निकाली है और इसमें है सवाल। इधर है सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक किस जानवर के दूध में हर बीमारी से शिफा है? गाय। गाय देखी आपने? गाय को प्यार भी किया? आप थोड़ा तेज तो बताएं ना, गाय इतनी तेज आवाज़ निकालती है, आप तो थोड़ी सी आवाज़ निकाल लें। गाय। गाय। और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। तशरीफ रखें, टीम बी से कौन है? टीम बी से, ये टीम है, टीम बी है? पक्की बात है? चला कौन आएगा? आ जाए जी। सिक्स नंबर, आप इधर आ जाए। ये नसीदास सिक्स नंबर, आपसे सवाल है। परिंदा, परिंदा पसंद है आपको? चीट निकाला, अब देखते हैं आपको कितना पसंद है। इधर आ जाए। उस परिंदे का नाम बताएं जो उड़ नहीं सकता। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये परिंदा भी है जो उड़ नहीं पाता,
सवाल पता है आपको क्या है? उस परिंदे का नाम बताएं जो उड़ नहीं पाता। मुर्गा। मुर्गा आपने देखा है उसको? उसके पर तो होते हैं इतने बड़े बड़े, वो दीवार से छत पर चले जाता है, छत से उड़ा तो नीचे आ जाता है। मुर्गा पक्की बात है? और आपका जवाब दुरुस्त है। अब बात मुझे सोच रहे होंगे तो वो भी उड़ता है। आप जैसे कह रहे हैं कि वो दीवार से छत पर चले आता है, छत से नीचे आता है, लेकिन वो आसमानों पर नहीं उड़ पाता। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी टीम ए से आप आएंगे, आ जाए जी, सीधा से माइक लीजिए और बताएं कौन सा बॉक्स खोलूँ आपके लिए। अभी इधर से थ्री नंबर खोल दूँ? चलो खोल देता हूँ। आसमान, सवाल के लिए चिट निकाल रहे और आप मेरे बराबर में खड़े हो जाए। इधर आ जाए। सवाल आपसे, किस इस्लामी महीने के शुरू होते ही आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? रमजान। रमजान शरीफ पक्की बात है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी कौन सा महीना? अभी कौन सा महीना चल रहा है? रजब। रजब शरीफ और रमजान शरीफ आप कह रहे हैं जवाब है, पक्की बात है? मेरा सवाल ये था, किस इस्लामी महीने के शुरू होते ही आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? और हमारे भाई कह रहे हैं रमजान शरीफ, और इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जी टीम ऐसे आ जाए, शायन भाई टीम बी, यही तो देखना चाह रहा था। वैसे एक की आवाज आई है कि टीम बी है, बाकी सारे का टीम बी अब आवाज आ रही है। जी चिट निकालें। लकड़ी के मतलब आपसे सवाल होगा जी, सीधा से माइक लीजिए। लकड़ी के मुतालिक सवालों का आप इधर आ जाएं जी। सवाल है आपसे, कौन से नबी अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और आपका जवाब जी, माशाल्लाह। जी टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। जी कौन आएगा? जी आप आ जाए, मेरे सीधा से माइक लें और आप बताएं कि कौन सा नंबर आपने बॉक्स खोलना है। फोर। फोर जी। बकरी के मुतालिक सवाल होगा आपसे, आप निकालें चिट जी माइक। आप थोड़ा दूर के खड़े खड़े हो जाए, कैमरे की तरफ फेस कर लीजिए। और सवाल होगा, क्या बकरी पालना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? जी। दोबारा सवाल कर रहा हूँ, क्या बकरी पालना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? जी। जी हाँ पक्की बात है? और आपका जवाब अल्लाह की रजा के लिए, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। टीम बी से कौन आएगा? जो पहले ना आए हों अगर वो भी कोशिश करें आ जाए। नहीं आप तो आए थे ना, आप आए, आप आ जाए जी। नंबर एक। नंबर एक जी, लकड़ी के मुतालिक सवाल होगा आपसे। ये ले माइक, एक ही चिट रह गई थी। सवाल है आपसे, उस चीज़ का नाम बताएं जिससे लकड़ी हासिल की जाती है? दरख्त। दरख्त पक्की बात है? भाई सवाल ये था मेरा, उस चीज़ का नाम बताएं जिससे लकड़ी हासिल की जाती है, और आप कह रहे हैं दरख्त। और हमारा नारा क्या है? पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। सारे मिलकर पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। और आपका जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवाल। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों, होगा कुछ इस तरह के, एक बच्चा यहाँ से जवाब देगा, एक बच्चा यहाँ से जवाब देगा, लेकिन होगा रैपिड फायर की तरह, एक ही मरतबा सवाल होगा, 10 तक काउंटिंग करेंगे। अगर आपने बता दिया तो ठीक, अगर नहीं बता पाए तो जवाब रॉन्ग माना जाएगा और आपको हम आंसर्स यानी कि हम ऑप्शन देंगे, उसमें ही एक आंसर होगा। तो टीम ए से हम आपको खड़ा करते हैं, ठीक है? आप बैठे रहिए, बस माइक ले लें और किसी ने बताना नहीं है, ठीक है? और टीम बी से हम ले लेते हैं आपको, ठीक है? सवाल है आपसे, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो किसका शुक्र गुजार नहीं हो सकता? अल्लाह पाक का, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का, या फरिश्तों का? अल्लाह पाक का।
आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। टीम बी के मेंबर से सवाल है, हिजरत मदीने से कितने साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर तशरीफ ले गए, 4 साल पहले, 3 साल पहले या 2 साल पहले? 2 साल। 2 साल पहले। सवाल मेरा ये था, हिजरत मदीना से कितने साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर तशरीफ ले गए, और आप कह रहे हैं 2 साल पहले, और आपका जवाब गलत नहीं है बल्कि दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। सवाल आपसे, उस आसमानी किताब का नाम बताएं जिसे सीखने और सिखाने वाले शख्स को बेहतरीन आदमी कहा गया है, इंजील, सबूर या कुरान मजीद? कुरान पाक। कुरान पाक। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। टीम बी, सवाल है आपसे, जन्नत कहाँ पर है, जमीन और आसमान के दरमियान, 7 आसमानों के ऊपर या 7 जमीनों के नीचे? 7 आसमान के ऊपर। आप 7 आसमानों के ऊपर कह रहे हैं, 7 आसमान पर कह रहे हैं? 7 आसमान पे ये कह रहे हैं, 7 आसमान पर। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, हमारे पास तो ये ऑप्शन था 7 आसमानों के ऊपर, और आपने कहा 7 आसमान पर, लेकिन आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। सवाल है आपसे, वजू में जिस्म के किस पार्ट का मसाह सिर्फ एक बार किया जाता है, चेहरा, सर, पांव? चेहरा, सर या पांव? चेहरा। चेहरा। और इनका जवाब भी गलत हो गया है, इनसे गलती हो गई है। सवाल ये था, वजू में जिस्म के किस पार्ट का मसाह सिर्फ एक बार किया जाता है, और जवाब है सर। सर का मसाह करते हैं ना, ठीक है प्यारे मुन्ने जी। सवाल है टीम बी आपसे, हदीस पाक के मुताबिक कौन सी चीज़ गुनाहों को मिटा देती है, नेकी, बुराई या कोई चीज़ नहीं? नेकी। नेकी। और आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और क्रिसमस मदरसे के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, और गुनाह हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लिया करो कि वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। माशाअल्लाह। टीम में से सवाल है, जो शख्स सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए अजान दे तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स के लिए किस चीज़ से आज़ादी लिख देता है, जहन्नम से, बुरे काम से या गुनाह से? जहन्नम से। जहन्नम से। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, सबसे पहले किस मुल्क के लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने का शर्फ हासिल हुआ, अहले यमन, अहले शाम, अहले मिस्र? अहले यमन। अहले यमन नहीं, अहले यमन, अहले शाम या अहले मिस्र? सवाल तो मैंने कर दिया, जवाब आप नहीं बता पा रहे, चले आप बताते हैं। अहले यमन। अहले यमन। और आपका जवाब दुरुस्त है। और किस्मत से के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में, जब तक आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।